मुरादाबाद से जितने भी कांवड़ियां लेने के लिए हरिद्वार और ब्रजघाट गए थे, वे सभी कांवड़ियां 17 तारीख को शाम के समय अपने अपने मंदिरों पर पहुंच गए। हमारी टीम ने देखा कि कुछ कांवड़ियां कंधे पर कांवड़ लेकर आ रहे हैं और कुछ कांवड़ियां लेट लेट कर अपनी कांवड़ लेकर आ रहे हैं। जब हमारी टीम ने लेट कर आ रहे कांवड़ियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम हर साल शिवरात्रि से पहले हरिद्वार से 15 से 20 लोगों की टीम बनाकर जाते हैं और कोई हरिद्वार से जल लाता है तो कोई ब्रजघाट से अपने अपने तरीके से जल लेकर आते हैं और हम इसी तरीके से लगभग 15 साल से जल लेकर आते हैं और अपना जल हमारे गांव गोट में जो मंदिर बना हुआ है उस पर लाकर शिवरात्रि की सुबह को 5 बजे सभी शिव भक्त अपना जल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। उसके बाद हमारी टीम ने डाक कांवड़ ला रहे राहुल रोहेला से बात की तो उन्होंने बताया कि हम हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि से एक दिन पहले ब्रजघाट जल लेने के लिए जाते हैं और हम एक समय सीमा बनाते हैं कि हम अपना जल ब्रजघाट से और मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र में रामगंगा पुल के नीचे जो प्राचीन गंगा मंदिर बना हुआ है वहां पर अपना जल हमारी सभी कमेटी की जो टीम है उसके सभी शिव भक्त जब सब एक साथ हो जाते हैं तभी हम अपना जल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे, खुशी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। पैदल ही आ रहे हैं हमने 9 बजे करीब गए थे यहाँ से, 3:30 बजे करीब आए चले हैं, भागते भागते आए डाक कमर से। डाक कमर तो कहाँ पे आके जल चढ़ाया? राम मंदिर।